दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल में वापसी। सुप्रीम कोर्ट से चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को मिली थी 21 दिन की अंतरिम जमानत। तिहाड़ जेल में सरेंडर करने से पहले कैबिनेट मंत्री और विधायकों के साथ राजघाट पहुंचे थे केजरीवाल। महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। जेल वापसी से पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के हनुमान मंदिर में पत्नी के साथ किए दर्शन। केजरीवाल के साथ उनके मंत्री भी मौजूद रहे। तिहाड़ जाने से पहले कार्यकर्ताओं को केजरीवाल ने किया संबोधित। कहा 21 दिन की अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। तानाशाही के खिलाफ लड़ाई रहेगी जारी। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजघाट पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने पर गिरिराज सिंह ने कसा तंज। कहा खुद को भगत सिंह समझ बैठे हैं केजरीवाल। अपनी मांगों को लेकर चुनाव आयोग पहुंचा इंडिया गठबंधन का डेलीगेशन। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक वीवीपैट पर्ची का मिलान और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पहले कराने की मांग। बीजेपी के डेलीगेशन ने भी चुनाव आयोग से मुलाकात की। काउंटिंग में सभी प्रोटोकॉल का पालन और काउंटिंग प्रक्रिया की अखंडता के लिए सार्वजनिक बयान की मांग। पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी को बहुमत। कार्यकर्ताओं का जोश हाई। खुशी से झूमे कार्यकर्ता। अरुणाचल प्रदेश में बड़ी जीत पर बोले पेमा खांडू। कहा जनता ने आशीर्वाद देकर एक बार फिर दी है जिम्मेदारी। नतीजों से पहले एक्शन में पीएम मोदी। देशभर में हीट वेव के हालात को लेकर की समीक्षा बैठक। सूत्रों के मुताबिक तीसरे टर्म के 100 दिन के एजेंडे पर भी करेंगे मंथन। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में तीसरी बार मोदी सरकार का अनुमान। एनडीए को मिल सकती है 353 से 383 सीटें। यूपी बिहार पश्चिम बंगाल में एनडीए को बड़ी बढ़त। एबीपी न्यूज सी वोटर का अनुमान। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से एनडीए को 62 से 66 और इंडिया को 15 से 17 सीट मिलना संभव। एग्जिट पोल पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस ने एग्जिट पोल को बताया फर्जी। कहा 4 जून को इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार। 295 सीटों पर जीत का दावा किया। एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद दिल्ली पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस का मंथन। प्रत्याशियों के साथ काउंटिंग और आगे की रणनीतियों पर चर्चा की। यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने यूपी में बड़ी जीत का दावा किया। कहा पहले की तरह फेल साबित होगी राहुल अखिलेश की जोड़ी। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर बोले राहुल गांधी। कहा यह मोदी जी का पोल है। 295 सीटों पर होगी इंडिया गठबंधन की जीत। अपर्णा यादव का विपक्ष पर तीखा तंज। हम लोगों को बेवकूफ बनाने में नहीं, काम पर करते हैं भरोसा, इसीलिए होगी बड़ी जीत। चुनाव बाद रिलैक्स मोड में दिखे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में गौ सेवा की। बच्चों को चॉकलेट्स बांटे। एग्जिट पोल के आंकड़ों में एनडीए को बिहार में बढ़त। 40 सीटों में से 34 से 38 सीटें मिलने का अनुमान। इंडिया गठबंधन के खाते में भी आ सकती हैं 3 से 5 सीटें। 4 जून को आने वाले नतीजों से पहले सियासी हलचल हुई तेज। पटना से दिल्ली पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। एग्जिट पोल के आंकड़ों के बावजूद जेडीयू नेता अशोक चौधरी का दावा। कहा एक दो छोड़कर बिहार में सभी सीटों पर होगी एनडीए की जीत। आरजेडी सांसद मनोज झा ने एग्जिट पोल के आंकड़ों पर उठाए सवाल। बिहार में 25 और देश में 295 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया। एग्जिट पोल पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद का बयान। कहा एग्जिट पोल से निराश नहीं, फाइनल नतीजों का इंतजार, असली नतीजे कुछ और हैं। काराकाट में वोटिंग के बाद फुर्सत में देखे एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा। परिवार और दोस्तों के साथ गोलगप्पे का लुत्फ उठाते नजर आए। इंडिया गठबंधन के 295 सीट जीतने के दावे पर बोले शिवराज। कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है कांग्रेस। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र के 48 सीटों में से एनडीए को 22 से 26, इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 23 से 25 सीट। परिणाम से पहले बारामती में पोस्टर वार। पहले सुप्रिया सुले, फिर सुनेत्रा पवार के समर्थकों ने लगाए जीत के पोस्टर। 4 जून को होने वाली काउंटिंग की तैयारियां हुई तेज। मेरठ काउंटिंग सेंटर पर पहुंचकर डीएम और एसएसपी समेत कई बड़े अधिकारियों ने जायजा लिया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। यात्रा को सुगम बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। एमपी के मुरैना में रेलवे की जमीन से हटाया जा रहा है अतिक्रमण। ग्वालियर से श्योपुर रेल लाइन के किनारे सैकड़ों लोगों ने किया रेलवे की जमीन पर कब्जा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एसडीआरएफ को दी जा रही है स्पेशल ट्रेनिंग। आपात स्थिति और आपदा के वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए दिया जा रहा है प्रशिक्षण। मुंबई बम धमाके के आरोपी की महाराष्ट्र की कोल्हापुर जेल में हत्या। न्यायिक हिरासत में जेल में आए 5 आरोपियों ने मोहम्मद अली खान की हत्या की। जेल के अंदर हत्या से मचा हड़कंप। यूपी के हापुड़ में सोशल मीडिया पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। एक महिला समेत 2 विदेशी गिरफ्तार। ठगों के पास से मोबाइल फोन लैपटॉप बरामद। पश्चिम बंगाल के नादिया में चुनाव बाद हिंसा। बीजेपी कार्यकर्ताओं की बेरहमी से हत्या। पुलिस के हाथ खाली।
बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या पर अब तेज हुई सियासत। कृष्णानगर से बीजेपी उम्मीदवार अमृता रॉय ने घर जाकर परिवार से मुलाकात की, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। शनिवार को हुए हमले के बाद रामकृपाल यादव ने दर्ज कराई FIR, बोले मेरी हत्या की साजिश रची गई थी। दिल्ली की सड़कों पर बाइक से स्टंट करते हुए दिखा एक युवक, CCTV में कैद हुए बाइक सवार, नॉट प्लेस पर जान खतरे में डालते हुए कर रहे थे स्टंट, पुलिस ने दर्ज किया मामला। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में रेल हादसा, एक गाड़ी दूसरी से टकराई, एक दूसरे पर चढ़ी बोगियां, हादसे में 2 लोको पायलट हुए घायल। बढ़ती गर्मी के साथ दिल्ली के कई इलाकों में जल संकट, ओखला इलाके में पानी का टैंकर आते ही पानी लेने की दिखी होड़। दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में पानी के लिए जूझते दिखे लोग, लोगों ने पानी की सप्लाई बढ़ाने की अपील। राजौरी के जंगल में आग का कहर, गर्मी की वजह से फैल रही आग काबू पाने में जुटा वन विभाग। यूपी के नोएडा में कंपनी में लगी आग, आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, नोएडा के सेक्टर 8 का मामला। ग्रेटर नोएडा में गत्ते के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान, आग बुझाने में जुटी दमकल की गाड़ियां। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर रखे जनरेटर में आग लग गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मणिपुर के इम्फाल में बारिश और बाढ़ का कहर, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी राहत बचाव कार्य टीम, पीड़ितों के लिए लगाए गए मेडिकल कैंप।